अभी हम आ चुके हैं बालेश्वर मंदिर में और ये देखिए एक प्यारा सा सरोवर है और यहाँ पे देखो बत्तख कितने सारे तैर रहे हैं और ये है बालेश्वर बाबा का मंदिर जो लालगंज में बना हुआ है। तो अभी हमारे दो दोस्त भी आए हुए हैं साथ में, ये है हमारे रिंकू भाई और ये सतनाम। यार आला हो रहा, सुनाई नहीं पड़ा है ना। अभी हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं बालेश्वर मंदिर। अभी फिलहाल हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, हमारे साथ सतनाम रिंकू दोनों। कैसा लग रहा है? तो अभी हम लालगंज से अपने हरचंदपुर को जाने वाले रास्ते पे हैं और हमको लग रहा है कि बारिश भी रास्ते में स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि बूंदाबांदी चालू हो गई है और चारों तरफ आपको ये हरे भरे खेत नज़र आएंगे। और मेरे पीछे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो लोग बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और हमने सोचा कि चलो रुक के आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाए जाएं। अभी इसके अंदर हमारे दो दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि कहाँ गए थे और क्या कैसा लगा, बताइए। हेलो दोस्तों, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग गए थे श्री बालेश्वर धाम गए थे, हाँ। बाबा जी के दर्शन करने, भोलेनाथ के दर्शन करने, हाँ। बहुत ही आनंद आया, बहुत मजा आया दर्शन करके, मतलब मन को शांति मिली कि नहीं मिली। बालेश्वर मंदिर आपको कैसा लगा? मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर। पहली बार गए थे कि पहले भी जा चुके हो? फर्स्ट टाइम गए, हम तो फर्स्ट टाइम गए। तुम फर्स्ट टाइम गए हो? हम तो कम से कम 200 बार गए हैं। बाबा हमेशा हमको बुलाते हैं, आज भी बाबा ने याद किया तो हम आए हैं मंदिर में दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा हमको, अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर है। ऐसा तो आने नहीं करे हो भाई, हमको सोने दो भाई, हमको छेड़ो मत। तुम कहाँ बैठे हो? गाड़ी में बैठे हैं, वो कहाँ बैठे? कैसा लगा तुमको मंदिर में दर्शन करके? अच्छा लगा है। वो आज का दिन कैसा था ये बताओ? बहुत बढ़िया दिन था, बहुत इतना अच्छा मौसम। और ये देखो बारिश भी होने लगी आसमान में, वाह क्या नजारे हैं, हरे हरे खेत। ये थोड़ा बाहर आओ, बहुत अच्छा लग रहा है। वाटर प्रूफ मोबाइल नहीं, अंदर आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, मोबाइल दे। ए भाई भाई जरा एक मिनट आओ, गाड़ी के बाहर आओ सब लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। अरे जल्दी आओ बाहर, अरे उतरो जरा, शॉट लेना है यार। देखो दोनों लोगों को अभी हमने गाड़ी से उतार दिया है, वो पीछे वाले को भी उतारो। तो ये हमारे सतनाम जी आ गए हैं बाहर और अभी हमारे रिंकू चौहान भी आएंगे। कैसा नजारा, कैसा लग रहा है भाई? पेट्रोल के पैसे वसूल हो गए कि नहीं? अभी कम पड़ेंगे तो आगे डला देना टंकी पे ढकिया वाली। बिल्कुल भाई, डलवा देंगे, टंकी फुल कर देंगे। अगर तुमने टंकी आज मेरी फुल करवा दी ना तो मेरा दिल समझ लो इतना खुश हो जाएगा कि आज हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हम पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं और अपने भाई से मिलते। आओ आओ आओ,
हेलो, क्या हाल चाल है? हमसे अक्सर मिला करते हैं। यही रात कहाँ साथे? भाई आज तो बाजार था, तुमने दुकान बंद करके यहाँ कहाँ घूम रहे हो? दर्शन करना जरूरी है? और क्या, बोले बाबा बुलाएं। भाई की मतलब हिम्मत देखो कि भाई दुकान बंद करके आज बाबा भोलेनाथ के, बाबा ने हमको बुलाया है। नहीं बिल्कुल, बुलाया किसी और ने था, लेकिन पहुंच गए हम दरबार में। उन्हीं ने बुलाया, जब वहाँ पहुंच गया उन्होंने ही बुलाया है। तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग आज हमारा बन रहा है और मौसम भी शानदार है। आई होप कि आपको ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त लग रही हो। और ये दोनों लोगों को हमने बिठा लिया था, हमने कहा वैसे भी जा रहे हैं लालगंज तो तुम लोग भी चलो, कृपा करके बैठा लिया था भाई। फ्री में अगर फ्री में घूमने को मिला तो क्या चाहिए भाई। देखो पहले स्कूटी सब बनाते थे, है कि नहीं, तो एक ही बंदा पीछे बैठ सकता था। अब फोर व्हीलर हो गई तो कहीं भी वीडियो बनाने मान लो जाओ, घूमने जाओ तो चार लोगों को और बिठा लो। ट्रेवलर ले लो, 24-25 आदमी कम से कम आ। नहीं तो हमको वो अगवानी बारात की थोड़ी करना है। एक ट्रेवलर लो, दो चार पांच लोग हो बहुत है। चलिए थैंक यू। और हम लोग अब फिर जा रहे हैं गाड़ी में बैठने।